खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुझे आनंद कहते हैं, मैं अपनी बहन टीना को लेने आया हूँ। अच्छा, तो मिस्टर आनंद आप ही हैं? जी। कमाल है, दो दिन हुए स्कूल बंद हो चुका, सारे बच्चे घर जा चुके, सारा स्टाफ चला गया और आप अब आ रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ मिस आशा मेरे कहने पर रुक गई, वरना टीना बेचारी परेशान हो जाती। आई एम सो सॉरी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई इसलिए लेट हो गया। इस वक्त टीना कहाँ होगी? वो उस प्लेग्राउंड में खेल रही है मिस आशा के साथ। कैसी हैं आप? जो हम आपसे बात नहीं करते, इतने लेट क्यों आए? रास्ते में गाड़ी जो खराब हो गई तो हम क्या करते? टैक्सी में आ जाते, हम आपसे तक मुंह में आ जाते। अच्छा बाबा, हम अपनी छोटी बहन से माफी मांग लेते। टीना जी, हमें माफ कर दीजिए ना प्लीज। माफ कर दिया,
कैसे? ऐसे। थैंक यू। अब हमारी मिस से भी माफी मांगिए। कैसे? ऐसे। माफी चाहता हूँ, आपको टीना की वजह से काफी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। ऐसी कोई बात नहीं, आई एंजॉय हर कंपनी। आई ऑल्सो एंजॉय योर कंपनी। अच्छा चलो भैया, हम सब चलेंगे। आप वही रहते हैं क्या? जी नहीं, मेरा घर सोलन के पास है। आपको बहुत दूर जाना है, आप लोग जाइए, मैं बस में चली जाऊँगी। लेकिन सोलन तो रास्ते में ही पड़ता है। हम आपको छोड़ते चलेंगे, क्यों भैया? सर्टनली सर्टनली, चलिए प्लीज। गाड़ियां क्यों रुक गई? क्या बात है? आगे रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हो गया है। ओ, रास्ता बंद हो गया, कब खुलेगा? शायद कल खुल जाए। आई सी, थैंक यू। आगे लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ता बंद है, कल तक खुलेगा। कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। कार में सो जाओ। रूम में? नहीं नहीं, पीछे एक रेस्ट हाउस में। मेरा ख्याल है वहीं चला जाए, दैट्स अ गुड आइडिया। नमस्ते शाह। नमस्ते नमस्ते। आज रात के लिए दो कमरे चाहिए। नहीं साहब, हमारे पास एक कमरा खाली है साहब। एक कमरा? लेकिन साहब आपको दो कमरा क्यों? अच्छा अच्छा, समझ गया साहब, बेबी को अलग सिलाएगा। अच्छा अच्छा, बेबी अलग सिलेगा। ठीक है ठीक है, ये चाबी लीजिए और सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, सामान लेके आइए। अच्छा साहब, चलो टीना चलिए प्लीज। आप टीना के साथ बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पर लेट जाऊंगा। हमें तो अभी नींद ही नहीं आई, आपको नींद आई है? मैं नहीं। तो आओ इंताक्षरी खेले, जो जीतेगा उसे मैं ट्रॉफी नाम दूंगी। मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं भैया, आपकी टर्न। मेरी टर्न? अरे एलिफेंट तूने बोला, इतना इजी था। ये तो मैं टीना। टीना, ए, ए से अट्रैक्टिव, ई, आपकी टर्न। ई से एम्बैरेसिंग। टीना, अब तुम्हारी बारी। जी। जी से गो टू स्लीप, गुड नाइट। आपने आज का पेपर पढ़ा? जी नहीं, तो कोई खास खबर है? हाँ, शिमले में कल एक मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला किया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे नाई एक हफ्ते की स्ट्राइक करेंगे। क्यों? क्योंकि मर्दों ने बाल कटवाना बंद कर दिया है। शुक्र है, आप हंसे तो लगता है बहुत कम हंसते हैं। जी हंसता था, लेकिन वक्त ने ये हंसी भी छीन ली। 8 साल हुए माँ बाप को गुजरे, तब से टीना और छोटे भाइयों की परवरिश की जिम्मेदारी ने कभी कुछ सोचने का वक्त नहीं दिया। हाँ, एक मौका आया था जिंदगी में, सोचा था सुख दुख बांटने वाला साथी मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले कि मेरी जिंदगी करवट बदलती, मेरी गरीबी दीवार बन के पीछे आ गई और उस लड़की ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। उसे चाहिए था रहने के लिए बंगला, पहनने के लिए जेवर, घूमने के लिए कार, लेकिन ये सब मैं कहां से लाता?
मैं तो सिर्फ अपना प्यार ही दे सकता था उसे, लेकिन लेकिन माफ कीजिएगा, ना जाने क्या क्या कह गया। आई एम सो सॉरी। आप कुछ और कहने जा रहे थे? जी कुछ नहीं। देखिए, सभा पर आई हुई बात हमेशा कह देनी चाहिए, वरना बदहजमी होने का डर रहता है। आपने बिल्कुल वही बात कही जो अक्सर मैं अपने भाइयों से कहता हूँ। अमर और पवन मेरे दो भाई हैं, बड़े बातूनी हैं, जब देखो बातें करते रहते हैं। मैं भी उन्हें यही कहता हूँ, अगर चुप रहोगे तो क्या बदहजमी हो जाएगी। इसलिए आपने उन्हें लंदन भेज दिया। आपको कैसे मालूम? आपकी छोटी बहन टीना मेरी स्टूडेंट है और बातें वो भी कम नहीं करती। टीना की बच्ची हो? अच्छा तो आप हैं। सालों में मैंने इतनी बातें किसी के साथ नहीं की जितनी कल रात आपके साथ। हाँ, रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। इसी तरह कहते सुनते अगर जिंदगी भी बीत जाए तो पता ना चले। भैया मैं देखो रास्ता खुल गया है, कारें जा रही हैं, जल्दी करो हम सब चले। कोई बात ही नहीं करता। क्या बात करें? अच्छा ये बताइए ये बर्फ क्यों पड़ती है? इसलिए कि टीना को छुट्टी मिले और उसके भैया उसे लेने आए, टीना घर जाकर क्रिसमस मनाए और सांता क्लॉस आए और अच्छे अच्छे प्रेजेंट दे। अच्छा जिंगल बेल्स मिस गोना।